हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और मैं पिछले 10 साल से फोटोग्राफी एज ए हॉबी परस्यू कर रहा हूँ। तो उसी पे आज मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या लोगों को फोटोग्राफी एज ए हॉबी चूज़ करना चाहिए या नहीं, और उसे क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो पहला पॉइंट जो मुझे लगता है जिसके कारण किसी को भी फोटोग्राफी एज ए हॉबी चूज़ करनी चाहिए, वो है क्रिएटिव आउटलेट। किसी भी इंसान को उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये लोग अलग अलग फॉर्म में करते हैं, कोई पेंटिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, उसी में से एक फॉर्म है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी से आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आप दुनिया भर को दिखा सकते हो, और ये पर्सपेक्टिव से जब दूसरे लोग देखेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपको भी एक अलग सी खुशी मिलती है, कुछ एक नया क्रिएट करने की खुशी मिलती है। और जब आप फोटोग्राफी चूज़ करते हो तो आपका नज़रिया बदलता है, आप छोटी छोटी चीज़ें को नोटिस करते हो, आप अपने सराउंडिंग से बहुत अवेयर हो जाते हो, और ये सब चीज़ें आपको सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं, नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत हेल्प करती है। दिस एड्स टू योर पर्सनैलिटी। तो जो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो है कि फोटोग्राफी को सीखने में बहुत कम एफर्ट लगता है, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू लर्न। जैसे अगर मान लीजिए आप एक डांस फॉर्म लेते हैं, उसको सालों लगते हैं परफेक्ट करने में, लेकिन फोटोग्राफी के साथ अच्छी बात क्या है, आपको बेसिक्स आना चाहिए। एक बार आपको वो बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप कितनी अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड कि आपको सब कुछ आना चाहिए तभी आप कुछ आगे करेंगे। आपको बेसिक क्लियर है तो फिर उसके बाद आपकी नज़र, आप किस किस चीज़ को पहचान पाते हैं, क्या चीज़ अच्छी लगती है, अगर ये आपके अंदर सेंस है तो आपकी फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होगी। तीसरी पॉइंट जो है वो है ट्रैवल के लिए। जब भी आप फोटोग्राफी करना शुरू करते हो आप में ट्रैवलिंग का एक अलग मोटिवेशन आ जाता है। फोटोग्राफी अच्छी करने के लिए कई बार हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह जाना पड़ता है, और ये जो मोटिवेशन होता है इससे आप सिर्फ फ़ोटो अच्छी नहीं खींचते हो, आप लाइफ एक्सपीरियंसेस बनाते हो। आप चार जगह जाते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, वहाँ की सिचुएशन समझते हो, तो ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग रन में भी बहुत हेल्प करती है। और ट्रैवलिंग तो एनीवेज सबको पसंद है ही आज के टाइम में, और आपकी जो फ़ोटोज़ आएंगी अलग अलग जगह की, वो जब आप खुद देखोगे तो वो एक मेमोरीज रहती है, जो आप कभी भी अपने घर पे बैठ के लोगों के साथ बैठ के देखोगे तो आपको याद आए कि हाँ ये समय कितना अच्छा गुजरा था। चौथा जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कनेक्शन विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एज वेल एज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। फोटोग्राफी अब आज के टाइम में बहुत लोग परस्यू कर रहे हैं, तो आपको बहुत आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जो कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। साथ में आप जब फोटो आप कैमरा लेकर के किसी भी फंक्शन में जाते हो या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को अपने घर पे बुलाते हो तो एक अलग कनेक्शन होता है, क्योंकि आप वो मोमेंट कैप्चर कर लेते हो। साथ में लोगों को पता होता है कि आपका जो आर्ट फॉर्म है उसकी वैल्यू क्या है, और ये चीज़ आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को आपको और क्लोज लाती है। और पाँचवा पॉइंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है करियर, और साथ में अगर उसमें आप पैसे कमा सकते हैं तो और भी बढ़िया है। तो फोटोग्राफी जो जॉनर है वो बहुत ही वास्ट है, देयर इज़ लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्ट्रीट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें से किसी में भी बहुत अच्छा करते हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसे कमाने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए। उसके लिए आज के टाइम में फोटोग्राफी की अहमियत हर जगह पे है, चाहे वो प्री वेडिंग फोटोग्राफी हो या मैटरनिटी फ़ोटोशूट हो या मैगज़ीन का कवर हो या किसी स्टोर को ही अपने लिए कुछ फ़ोटोज़ चाहिए हो, तो स्कोप बहुत सारा है। और अगर आप इसको परस्यू करते हैं, अच्छा करते हैं इसमें, तो आपके करियर भी बना सकता है ये, आपको एक्स्ट्रा मनी भी आ सकती है इससे। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू चूज़। ये जो भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए इसके बारे में आपका क्या विचार है, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा और मेरे को भी पता चलेगा कि और लोगों की सोच कैसी है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है फोटोग्राफी एज ए करियर स्टार्ट करने के लिए। तब तक आप ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।